A very good morning to all of you. Today we'll discuss human health and disease. Human health and disease में हम already बहुत चीजें कर चुके हैं. Health से related में आपको बहुत चीजें बता चुकी हूँ. I've already told you each and everything. Okay, now today we will start with allergies. Okay, what basically an allergy is, how is it being initiated and all. So, when you have gone to a new place and suddenly you start sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away, your symptoms disappeared. कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप सुबह उठ करके अगर आप ऊपर जाते हो टेरेस पे या ऐसे बाहर एकदम से, स्पेशली इन विंटर्स, तो आपने नोटिस किया होगा दैट यू टेंड टू स्नीज, ठीक है, एंड फिर आप दोबारा से अपने रूम में वापस आते हो तो आपको वो एलर्जी ऐसे नहीं लगती है. सो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एलर्जी, ठीक है. सो डिड दिस हैपन टू यू? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट. यू माइट हैव हर्ड दिस. बहुत से लोग बोलते हैं ना लाइक कि हमें सेंसिटिविटी है या फिर वी आर सेंसिटिव टू दीज एलर्जेंस एंड ऑल, ठीक है. तो ये वही चीज़ है. द अबव मेंशन रिएक्शन कुड बी बिकॉज of allergy to pollen, mites etc. which are different in different places. Okay. So the exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. ये जो exaggerated form में, look, immune system I already told you, आपकी body में एक like जैसे phone में inbuilt apps होते हैं ना, सिमिलरली जैसे कि फोन में आपके इनबिल्ट ऐप्स होते हैं वैसे ही, बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये इम्यून सिस्टम का वर्क क्या होता है, जो आपकी बॉडी में मैकेनिज्म है टू बेसिकली फाइट अगेंस्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दी कंटामिनेंट्स, ठीक है. सो द एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी, ठीक है ना. द सब्सटेंसेस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस. अभी एलर्जेंस होते क्या हैं? एलर्जेंस बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनके रिगार्ड में ये जो इम्यून सिस्टम है ये एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है. अब एंटीबॉडीज की अगर आप बात करो तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो इस एलर्जी के टाइम पे जिस टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो IgE टाइप की होती है, ठीक है. मैंने आपको पहले बताया था ये पांच तरीके के होते हैं. तो ये IgE फॉर्म जो होता है ये एलर्जी के टाइम पे एक्टिवेटेड बोल सकते हो आप होता है. कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस आर लाइक अगर आप नॉर्मली देखो तो माइट्स होती है डस्ट में, फिर पॉलन्स हो गई, ठीक है ना. ये सब चीजें आपके एलर्जेंस में ही आती है. सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, अभी वॉटरी आईज हो गया आपका, ठीक है, देन रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सब के सब स्नीजिंग, ये सब के सब एलर्जीज है. आपने अपने टीचर्स को कई बार देखा होगा कि कुछ टीचर्स अगर लाइक बहुत ज़्यादा चॉक को यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड और चॉक, तो उससे भी उनको एलर्जी होती है, ठीक है. तो ये अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंसिटिविटी और एन एलर्जी, यू कैन से इट. ओके, सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड, अब ये सिम्टम्स होते क्या हैं एलर्जिक रिएक्शन के? आपको स्नीजिंग होगी, आपकी आंखों में पानी आएगा, वॉटरी आईज, ठीक है, आपकी नोज रनिंग नोज हो जाएगी, रनिंग नोज होगी, राइनाइटिस. अच्छा, रनिंग नोज को मेडिकल टर्म्स में राइनाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है ना. राइनाइटिस इज, वी यूज द टर्म राइनाइटिस फॉर रनिंग नोज. देन यू विल बी हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट, एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स. ये लाइन आप बहुत ढंग से ध्यान रखना. I repeat it, allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. Mast cells की से जो ये basically ये histamine और serotonin के जो type के chemicals होते हैं, okay? So the I am basically pointing out this line. Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. Allergy होती क्यों है? क्योंकि chemicals release होते हैं. कौन से chemicals release होते हैं?
जो दो इंपॉर्टेंट आपके केमिकल्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन इज योर हिस्टामिन, सेकेंड वन इज योर सेरेटोनिन। ओके, तो ये जो दोनों के दोनों बेसिकली केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये रिलीज कहाँ से होते हैं? मास्ट सेल से। तो मास्ट सेल से जैसे ही ये दोनों के दोनों केमिकल्स रिलीज होंगे आपके, आपको एलर्जी हो जाएगी। ठीक है, सो फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। ओके, क्या होता है कि आपको अगर एलर्जी का कॉज रीजन पता करना है, जब तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को या तो इंजेक्ट किया जाता है एलर्जेंस से, पेशेंट में एलर्जेंस को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना, रिएक्शन उसके बाद उसकी बॉडी में क्या हो रही है इसको हम स्टडी करते हैं, या फिर देयर इज अ यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन्स, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स, इनको लेते हैं हम, ये वाली ड्रग्स लेते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स लेते हैं हम? एंटी दिस योर एंटी हिस्ट अब देखो, हिस्टामिन केमिकल है ना, जिसकी वजह से आपको एलर्जी रिड्यूस प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम मास्ट सेल्स। तो अगर आपको इसको रिड्यूस करना है तो आप एंटीहिस्टामिनिक्स लेते हैं, अदर देन दैट एड्रेनलिन ले सकते हैं, स्टेरॉइड्स ले सकते हैं, जो कि एलर्जी के सिम्टम्स को कम कर देते हैं। ठीक है, समहाउ मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी। लेकिन आप देखो तो मॉडर्न डे आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उसकी वजह से होता क्या है, इम्यूनिटी कम हो गई है लोगों की, ठीक है ना, एलर्जेंस पे ज्यादा सेंसिटिविटी हो गई है, लाइक एलर्जेंस, बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है लोगों को आजकल, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो चुकी है उनको। ठीक है, सो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। अभी अगर हम ऑटो इम्यूनिटी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी से आपका क्या हिसाब है? लुक, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि पैथोजेंस। अभी पैथोजेंस क्या होते हैं? एज यू नो, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेंस। ठीक है, सो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हायर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, लाइक उन हायर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, देयर इज अ एबिलिटी टू डिफरेंशिएट द पैथोजेंस, पैथोजेंस आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, फ्रॉम सेल्फ सेल्स। व्हाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, टू कोरोलरीज ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टूड। वन, हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। नाउ मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट। टू, समटाइम्स ड्यू टू द जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस व्हिच अफेक्ट्स मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। आपने ये चीज सुना होगा, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, ऑटो इम्यून डिजीज का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, अभी अगर इसकी हम बात कर, लुक, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड इम्यूनिटी यू ऑलरेडी नो। अभी अगर आप यहाँ पे देखो, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है जो आपका, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, लिम्फोइड ऑर्गन्स का बना होता है। ठीक है ना, लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज हो गई, आपकी सेल्स हो गई, सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे कि एंटीबॉडीज जो सॉल्यूबलाइज हो जाती हैं। ठीक है, सो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक योर एंटीबॉडीज। एज यू हैव रेड, इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इट रिकॉग्नाइजेस फॉरेन एंटीजेंस। इम्यून सिस्टम का बेसिक काम क्या है, कि उसको पहचानना है या उसको डिटेक्ट करना है कि अगर कोई फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पैथोजन है आपकी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद वो उनको उनके उन पे रिस्पॉन्ड बैक करेगा, रिस्पॉन्स बैक कर देगा उनको, और फिर वो याद रखेगा कि अच्छा, इस बॉडी में ये वाला पैथोजन जो है एंटर हुआ था। ठीक है, इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन, तो आपकी बॉडी, आपको एलर्जी है, उसमें भी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइंडली पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस। लिम्फोइड ऑर्गन्स, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं आपके, उनका जो प्रोलिफरेशन कह सकते हो, या उनकी ग्रोथ कह सकते हो, या उनका मैच्योर होना कह सकते हो आप, ये सब लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है। आई रिपीट, लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द बेसिक ऑर्गन्स वेयर द मैच्योरेशन और द प्रोलिफरेशन
और द डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। इफ आई टॉक अबाउट द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, द मेजर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर योर बोन मैरो एंड थाइमस। आप बोन मैरो और थाइमस देख लो, ये आपके सबसे ज्यादा प्राइमरी, जो सबसे ज्यादा मेन आप बोल सकते हो, लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। आई रिपीट इट, आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो दो होते हैं, बोन मैरो, दूसरा आपका थाइमस। यहाँ पे होता क्या है कि वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। नाउ आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। मैच्योरेट हुए, मैच्योरेशन हुआ उनमें, मैच्योर हुए वो। मैच्योर होने के बाद में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ट्रांसफर या माइग्रेट हो जाते हैं। अभी आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के कौन से हो गए, आपको याद रखना है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आपका होता है स्प्लीन, आपकी लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स। आई रिपीट, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं आपके स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और आपका अपेंडिक्स। ठीक है, दो तो ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ये करते क्या है, दे प्रोवाइड द साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन। आपका जो लिम्फोसाइट्स है वो एंटीजन के साथ में इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्ट करने के बाद में इनका प्रोलिफरेशन होगा और ये इफेक्टर सेल्स बनेंगे। आई रिपीट, इनका जो है, ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये करते क्या है, ये लिम्फोसाइट्स के इंटरैक्ट करने के लिए साइट बनाते हैं, आप या कह सकते हो आप जगह बनाते हैं। ठीक है, कि लिम्फोसाइट जो है वो एंटीजन के साथ सीधे सीधे इंटरैक्शन कर सके। ठीक है, इंटरैक्शन जैसे ही हो जाएगा लिम्फोसाइट और एंटीजन का, उसके बाद क्या होगा, ये प्रोलिफरेट होंगे और ये इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बोल सकते हो आप, या आप बोल सकते हो ये इफेक्टर सेल्स बन जाएंगे। अभी जो लोकेशन होती है अलग अलग लिम्फोइड ऑर्गन्स की, वो यहाँ पे देख दे रखी है। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।